हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं रेन ऑन द रूफ पोयम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये पोयम रिलेटेड है क्लास नाइन्थ के सिलेबस से, और इस बार सिलेबस में पोयम से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन इज, व्हाट डज लिस्ट मीन इन दिस पोयम। इस कविता में लिस्ट शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है कि लिस्ट शब्द यूज किया गया है, यूज्ड एज अ वर्ड फॉर लिसन। सुनने के लिए जो ये शब्द आता है लिसन, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है लिस्ट। तो लिस्ट का मीनिंग है लिसन, सुनना। क्वेश्चन नंबर टू इज, शेडोज इन द पोयम रेफर्स टू। इस कविता में शेडोज किसके लिए कहा गया है, परछाइयां किस चीज की हैं? आंसर है मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, पानी से भरे, नमी से भरे हुए बादलों, कास्टिंग शेडोज, जो अपनी परछाई डालते हैं ऑन द अर्थ, धरती पर। तो बादलों की परछाई को, और वो बादल कैसे हैं? नमी से भरे हुए। तो इस चीज को हम शेडोज के रूप में कविता में पढ़ते हैं, बादलों की परछाई जो धरती पर पड़ती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर द ह्यूमिड शेडोज डूइंग इन द स्फीयर। नमी वाली परछाइयां आकाश में क्या कर रही हैं? स्फीयर मीन्स हमारा घेरा, हमारा आकाश, धरती के चारों ओर का एरिया। रेस्टिंग, वे आराम से ठहरी हुई हैं, या फिर होवरिंग ऑल ओवर, चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट अ ब्लेस फॉर द पोएट। कवि के लिए सुकून भरी चीज क्या है? ब्लिस, ब्लिस मीन्स आनंद, सुकून प्राप्त करना, संतोष ग्रहण करना। और आंसर है लाइंग ऑन द बेड, बेड पर, बिस्तर पर लेटे हुए, इन अ जॉयफुल मूड, एक आनंद के मूड में वो रेन को एंजॉय कर रहे हैं। तो यही उनके लिए ब्लिस, बहुत सुखद अनुभव है, लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड। नेक्स्ट इज नंबर फाइव, द पोएट कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स टू। कवि बारिश की बूंदों को किस चीज से तुलना करता है? आंसर है आंसुओं से, इट मीन्स टीयर्स। नेक्स्ट है, हूज फॉन्ड लुक द पोएट फाइंड्स ऑन हिमसेल्फ। किसकी प्यार भरी नजर पोएट अपने ऊपर प्राप्त करता है? ये है आंसर हिज मदर, अपनी माँ की। उन्हें एहसास होता है कि जैसे उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार से अभी भी देख रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इस तरह से है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, केंद्रीय विचार है, जिसे हम सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं, वह क्या है? ऑप्शन में ये फोर सेंटेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट है, रेन मेक्स वन मेलनकलिक, बारिश बना देती है किसी व्यक्ति को निराश। सेकंड है, रेन ब्रिंग्स बैक सेवरल मेमोरीज एंड इमेजिनेशन, बारिश वापस लाती है हजारों यादें और कल्पनाएं। सी ऑप्शन है, रेन प्रोवाइड्स पीस, बारिश शांति प्रदान करती है। फोर नंबर पर ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। ए और सी आंसर को ये इसमें हमें बता रहे हैं कि क्या दोनों ए डी ऑप्शन जो है ये कहता है कि बी वाली बात, जो सेंटेंस बी है और जो सी सेंटेंस है, ये दोनों सही हैं। तो हमारा सही आंसर भी ये डी ऑप्शन है, जिसमें हम दोनों बातों को सही कह रहे हैं। हमारे अनुसार, कवि के अनुसार, ये वाली बातें सही हैं कि बारिश हजारों यादें, हजारों इमेजिनेशन हमारे लिए लाती है, और बारिश हमें शांति भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स रेफर्स टू। पोयम की ये जो लाइन है, एवरी टिंकल, हर एक बूंद ऑन द शिंगल्स, टाइल के ऊपर, ये किस चीज को बताती है? एवरी रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, ये बताती है कि हर एक बूंद गिर रही है
छत के ऊपर। What tinkles on the shingles? क्या चीज गिरती है, tinkles means एक आवाज करती है टाइल्स के ऊपर, और वो कौन सी चीज आवाज कर रही है? सही ऑप्शन है रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट नंबर 10 है, वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइस? बारिश कहाँ पर शोर मचा रही है? सही ऑप्शन है ऑन द रूफ। नेक्स्ट है, हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी? कौन आता है कवि की यादों में? हिज मदर, उनकी माँ। नेक्स्ट नंबर 12 है, द पोएट्स मदर यूज टू गेज? कवि की माँ गेज बहुत ही ध्यान से एकटक देखा करती थी, किस प्रकार से? लविंगली, प्यार से। नेक्स्ट है, इर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन? वह छोड़ गई उन्हें सुबह होने तक। हु लेफ्ट, कौन छोड़ गई? इस कविता में कवि को कौन छोड़कर जाता है? पोएट्स मदर, पोएट्स की मदर जो सपनों में आती हैं और सुबह होने पर चली जाती हैं, क्योंकि उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी हैं। नेक्स्ट है नंबर 14, द पोएट हियर्स द, कवि सुनता है, और आगे ब्लैंक स्पेस दी गई है। क्या सुनता है कवि? साउंड ऑफ द रेन, बारिश की आवाज। नेक्स्ट है, व्हाट डज रिफ्रेन मीन इन दिस पोयम? इस कविता में रिफ्रेन शब्द का क्या अर्थ है? रिफ्रेन शब्द का अर्थ है इंडिकेट्स रिपीटिटिवनेस, किसी चीज का बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होने का इंडिकेशन देना कहलाता है रिफ्रेन। ही मिस्ड हिज, वह याद करता है, मिस करता है किसे? अपनी मदर को। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज रिफ्रेन? ये लाइन कविता से ली गई है कि आई लिस्ट, मैं सुनता हूँ टू दिस रिफ्रेन, बार बार इस रिपीट होने वाली आवाज को। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज रिफ्रेन, रिफ्रेन किसके लिए कहा गया है? द रिपीटेटिव रिदम ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है, द पोएट कैन स्टिल फील दैट, कवि अभी भी महसूस कर सकता है कि हिज मदर इज डैश एट हिम, कि उसकी माँ, उसकी मदर उसे अभी भी लुकिंग, देख रही हैं। यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में पूछा गया है एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें सही ऑप्शन आएगा लुकिंग। एंड नेक्स्ट इज, द रेन अराउजेज हिज लव फॉर मदर, बारिश जगाती है उसका प्यार अपनी माँ के लिए। जब भी बारिश होती है तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपके लिए यदि बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो, और अपने सिलेबस को स्टडी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द पोयम, इस कविता से एक शब्द चुनिए, दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द डे, जो बताता है दिन के समय को, कि दिन का कौन सा समय है, और आंसर है डॉन। डॉन मीन्स सुबह, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग को कहा जाता है डॉन। नेक्स्ट है, द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोयम रिफ्लेक्ट्स, पोयम का जो लास्ट वाला आखिरी स्टेंजा है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, प्रदर्शित करता है? पोएट्स इमेंस लव फॉर हिज मदर, कवि के अपार प्यार को अपनी माँ के लिए। कवि अपनी मदर से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और ये लास्ट स्टेंजा इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, कौन सी चीज आवाज कर रही है, खेल रही है शिंगल्स, छत की टाइल्स पर। व्हाट इज बीन प्लेड अपॉन द शिंगल्स, या फिर क्या चीज खेल रही है शिंगल्स, छत की टाइल्स पर। दोनों का एक ही आंसर है रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदे। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एज ऑफ द पोएट, आप कवि की उम्र के बारे में क्या सोचते हैं? आंसर है द पोएट इज एन एडल्ट, कवि एक वयस्क व्यक्ति है, एडल्ट मीन्स एक बड़ा व्यक्ति है। नेक्स्ट है, द पोएट कनेक्ट्स हिज प्रेजेंट
विद हिज पास्ट थ्रू द। कवि कनेक्ट करता है, जोड़ता है अपने वर्तमान को, प्रेजेंट को अपने अतीत के साथ। किस चीज से? थ्रू, थ्रू मीन्स किस चीज के द्वारा, किस चीज से। और सही ऑप्शन है मेमोरीज, यादें। यादों के कारण कवि अपने पुराने समय को वर्तमान से जोड़ता है। नेक्स्ट है, अवर बेस्ट मेमोरीज इन लाइफ आर एसोसिएटेड विद। हमारी सबसे अच्छी यादें जीवन में एसोसिएटेड, जुड़ी होती हैं विद, आंसर है रेन, बारिश के साथ। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, रेन ऑन द रूफ हैज बीन कंपोज्ड बाय। रेन ऑन द रूफ पोयम किसके द्वारा रची गई है? कंपोज्ड मीन्स रचना। कविता लिखने के लिए कंपोज शब्द आता है, जैसे हिंदी में रचयिता शब्द आता है। तो रेन ऑन द रूफ पोयम कंपोज्ड की गई है बाय कोट्स किन्नी। तो सही ऑप्शन में इन्हें स्पेलिंग सहित आप याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ फिनिश होते हैं रेन ऑन द रूफ के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जो इस बार 9th के सिलेबस में जरूर आएंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आप इसी तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।